हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का, जिसका नाम है ट्री। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दैट ऑल आर द लीनियर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्या होते हैं लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और क्या होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अभी तक हम मेनली लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आता है एरे, लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ये चारों एलिमेंट हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल में। नाउ देयर इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी तक हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा है, नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स विच आर नॉट इन अ सिक्वेंशियल फॉर्मेट। जो सिक्वेंशियल फॉर्मेट में नहीं होते हैं वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। यहां जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री क्या होता है? ट्री के बारे में हम सभी जानते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स जहां पे बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारे नोड्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्री। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर हम देखें तो दिस स्ट्रक्चर इज मेनली यूज टू रिप्रेजेंट डेटा दैट इज कंटेनिंग हायरार्किकल रिलेशनशिप। हायरार्किकल रिलेशनशिप क्या होगा? जहां आप एक हायरार्की के साथ काम करते हैं। हायरार्की का मतलब ये होता है, अगर मैं यहां आपको बना के दिखाऊं, अगर एक एलिमेंट है ए, ए के अंदर आपने बनाया हुआ है बी, और उसके अंदर बनाया हुआ है आपने सी, और उसके अंदर आपने बनाया हुआ है डी और ई, तो ये क्या आता है? आपका हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, जहां एक एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिस्कस करें, आप कंप्यूटर आप सबके चलाते होंगे, डेस्कटॉप या लैपटॉप वॉट एवर, तो वहां पे आपने देखा होगा आपके पास एक मेन ड्राइव होती है जिसे हम कहते हैं माई कंप्यूटर। उसके अंदर है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। उसके अंदर होते हैं सी ड्राइव के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स, उन फोल्डर्स के अंदर होते हैं मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स या मल्टीपल एनी फाइल्स, एनी टाइप ऑफ फाइल्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। तो जो हम अभी ट्री के स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं, तो वो एक हायरार्किकल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स आपके पास हैं, रेदर इट विल बी ए, बी, सी, डी और ई, एनी एलिमेंट, उनके बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप बनाता है ट्री। सो हियर वी विल लर्न अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री कॉल्ड अ बाइनरी ट्री। तो यहां जो हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं बाइनरी ट्री। तब हम देखते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है और बाइनरी ट्री में आप किस तरह वर्क कर सकते हैं। तो बाइनरी ट्री टी, यहां हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्री को। ट्री मतलब मैंने आपको समझाया, ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ए बी सी, दिस इज ट्री। तो ट्री भी डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, जिसमें हमें अभी पढ़ना है बाइनरी ट्री के बारे में। तो यहां हम ये बताना चाह रहे हैं कि बाइनरी ट्री टी is defined as a finite set of element called the nodes. Tree में finite set of elements होंगे, that means you can count it. उसे हम बोलते हैं finite set of elements. तो ये जो finite set of elements होते हैं ये कहलाते हैं nodes. जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा था A, B, C, D, E, they all are the nodes. ठीक है, तो यहाँ पे जो elements के साथ हम काम करेंगे, these are called the nodes. अब इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो यहां हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है ए, टी इज एम्प्टी, टी रिप्रेजेंट द ट्री, बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री इज एम्प्टी, कॉल द नल ट्री और द एम्प्टी ट्री। दैट मीन्स अगर किसी ट्री में कोई भी नोड नहीं है तो वो ट्री कहलाता है बाइनरी ट्री, सॉरी एम्प्टी बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री तो वह है ही, वो कहलाता है नल बाइनरी ट्री, या फिर हम कहते हैं एम्प्टी बाइनरी ट्री। जो दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, मैं और क्लियर कर देती हूं आपको थोड़ा पेज ऊपर करके। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास लिखा हुआ है, इस दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है टी, दैट इज अ ट्री, बाइनरी ट्री, कंटेनिंग नोड आर, उसके पास एक नोड है आर, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट नोड कहते हैं। यानी जो सबसे टॉप का नोड होता है वो क्या रहता है, रूट नोड। तो हमने यहां पर माना आर क्या है, एक रूट नोड है ऑफ टी, टी इज अ ट्री, ट्री का एक रूट नोड है, एंड रिमेनिंग नोड ऑफ टी फॉर्म टू बाइनरी ट्री टी वन एंड टी टू। यानी रूट नोड हो गया, अब इसके बाद आप जो कुछ भी बनाते हैं ए बी सी डी
EF. ये सब क्या आते हैं? ये कहलाते हैं बाइनरी ट्री के दो पोर्शन T1 एंड T2. रूट नोड से जब आप दो पार्टीशन में डिवाइड करते हो अपने ट्री को, तो वो दो अलग ट्री बन जाते हैं, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है T1 और T2 के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट है, एनी नोड N इन अ बाइनरी ट्री हैज आइदर 0, 1 और 2 सक्सेसर. यहां पे सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि एक नोड से कितने नोड जनरेट हुए हैं. तो एक नोड से या तो 0 नोड जनरेट हो सकते हैं, मतलब कोई नोड जनरेट नहीं होगा. जैसे कि अगर हम यहां सी की बात करें, तो सी से कोई भी नोड जनरेट नहीं हो रहा है, डी से कोई भी नोड जनरेट नहीं हो रहा है, सेम ऐसे ही ई और एफ के साथ है. या फिर हम एक नोड जनरेट कर सकते हैं, अगर मैं एफ से एक नोड जनरेट करूं दैट इज जी, तो इसका एक सक्सेसर हो सकता है, या फिर दो सक्सेसर हो सकते हैं. जैसे कि आर के दो सक्सेसर हैं ए और बी, ए के दो सक्सेसर हैं सी और डी, बी के दो सक्सेसर हैं ई और एफ. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी बाइनरी ट्री है, तो उसमें एक रूट नोड होगा. रूट नोड जो होगा वो ट्री को दो पोर्शन पे डिवाइड करेगा, T1 एंड T2, यानी कि दो सब ट्री जनरेट होंगी. एंड तीसरा पॉइंट ये था कि अगर आपके पास कोई ट्री है, तो ट्री में तीन सक्सेसर हो सकते हैं, आइदर इट विल बी 0, आइदर इट विल बी 1, आइदर इट विल बी 2. 0 मतलब कोई सक्सेसर नहीं होगा, उस नोड का कोई चाइल्ड नहीं होगा. दूसरा, एक सक्सेसर होगा, इसका मतलब उसका केवल एक चाइल्ड हो सकता है. और दो सक्सेसर होंगे, इसका मतलब उसका दो चाइल्ड हो सकता है. अब बाइनरी ट्री के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं. टॉपिक वही है, हमारे पास एक बाइनरी ट्री दी हुई है. अब इस बाइनरी ट्री के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो ये होता है रूट नोड, ठीक है. इसे हम कहते हैं रूट नोड. इसका मतलब यहां से आपका ट्री जो है वो दो पोर्शन पे डिवाइड होता है. इसे हम कहते हैं लेफ्ट सब ट्री और इसे हम कहते हैं राइट सब ट्री, ठीक है. ये आपका कहलाता है, सॉरी, राइट सब ट्री, और ये पोर्शन आपका कहलाता है लेफ्ट सब ट्री. अब इसके बाद हम बात करें बी और सी की, तो बी और सी क्या कहलाएंगे? बी और सी कहलाते हैं ए के चाइल्ड. बी और सी कहलाएंगे ए के चाइल्ड. साथ ही साथ ये कहलाता है, बी आपका कहलाएगा लेफ्ट सक्सेसर और सी आपका कहलाएगा राइट सक्सेसर, क्योंकि बी लेफ्ट की तरफ है इसलिए वो लेफ्ट सक्सेसर है, सी राइट की तरफ है इसीलिए वो राइट सक्सेसर कहलाएगा. और बी और सी आपस में इनका क्या रिलेशन है? बी और सी का आपस में रिलेशन है दे आर सिबलिंग्स. जैसे भाई बहन होते हैं जो एक ही पेरेंट से जनरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ए से जनरेट हुए हैं बी और सी, सो बी और सी आर कॉल्ड द सिबलिंग्स. अब आगे देखते हैं, आपको कुछ नोड्स ऐसे दिख रहे हैं जिनके आगे कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है. ऐसे नोड जिनके आगे कुछ भी जनरेट नहीं होता है, ये कहलाते हैं लीफ नोड, या फिर हम इसे टर्मिनल नोड भी कहते हैं, ठीक है. ये कहलाते हैं लीफ नोड या टर्मिनल नोड्स. ये जो बेसिक जानकारी है ट्री के बारे में, ये आप सबको जरूरी है, क्योंकि हम जब डिस्कस करते हैं तो हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के साथ काम करते हैं, पेरेंट के साथ काम करते हैं. ए इज अ पेरेंट ऑफ बी एंड सी, एंड बी एंड सी आर द चाइल्ड ऑफ ए. सिमिलरली डी एंड ई आर द पेरेंट चाइल्ड ऑफ बी, एंड बी इज द पेरेंट ऑफ डी एंड ई. एफ इज द चाइल्ड ऑफ ई, ई इज द पेरेंट ऑफ एफ. तो ये हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर हम ट्री के साथ वर्क कर रहे हैं उस कंडीशन में, ठीक है. तो ये टर्मिनोलॉजी होती है जब हम ट्री के साथ काम करेंगे. उसके अलावा कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है जो हम अभी डिस्कस करेंगे. अभी चूंकि हम इस वीडियो में केवल ट्री के बेसिक स्ट्रक्चर और ट्री की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमें जानना जरूरी है ट्री को पढ़ने के पहले कि क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, क्योंकि अगर हम टर्म नहीं जानेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा आगे हम जो भी ट्री के बारे में पढ़ेंगे. तो अब हम देखते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं ट्री में. तो टर्मिनोलॉजी होती क्या है? द टर्मिनोलॉजी डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स ऑफ अ ट्री.
ट्री के नोड्स के बीच में अगर आपको कुछ रिलेशनशिप बताना है तो रिलेशनशिप बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी लाइक कौन सिस्टर, कौन सिबलिंग है किसका, कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है, ये सब रिलेशन है और इन रिलेशन के साथ डिस्कस करने के लिए वी नो द टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहली चीज क्या है टर्मिनोलॉजी में, हम देखते हैं एन इज अ नोड इन अ ट्री, टी एक ट्री है, बाइनरी ट्री, उसमें एक नोड है एन विथ लेफ्ट सक्सेसर एस वन एंड राइट सक्सेसर एस टू। अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमने एक ट्री क्रिएट की हुई है, ट्री में एक नोड है एन, एन इज एनी नोड, एक नोड है एन और एन में लेफ्ट सक्सेसर है एस वन और राइट सक्सेसर है एस टू। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, सिंपल चीज है कि हमारे पास कोई भी एक नोड है, उस नोड से दो चाइल्ड जनरेट हुए हैं तो एक उसका लेफ्ट सक्सेसर कहलाएगा, एक उसका राइट सक्सेसर कहलाएगा। सेकेंड पॉइंट है एन इज कॉल्ड द पेरेंट ऑफ एस वन एंड एस टू, जैसे मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था कि एन इज कॉल्ड द पेरेंट ऑफ एस वन एंड एस टू बिकॉज एस वन एंड एस टू जनरेट हुए हैं एन के थ्रू। थर्ड थिंग, एस वन इज कॉल्ड द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एन, एस वन इज कॉल्ड द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एन एंड एस टू इज कॉल्ड द राइट चाइल्ड ऑफ एन। वही चीज यहां पे लिखी है, एस वन इज कॉल्ड द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एन एंड एस टू इज कॉल्ड द राइट चाइल्ड ऑफ एन। एंड फोर्थ पॉइंट है एस वन एंड एस टू आर सेट टू बी सिबलिंग, हियर एस वन एंड एस टू आर सेट टू बी सिबलिंग बिकॉज दे आर जनरेटेड फ्रॉम द वन पेरेंट दैट इज एन। तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सिबलिंग्स। फिफ्थ पॉइंट है एवरी नोड एन इन अ बाइनरी ट्री टी एक्सेप्ट द रूट नोड, यानी कि अगर आपके पास कोई भी बाइनरी ट्री बनी हुई है तो उसमें से हर एक नोड, बट वो रूट नोड नहीं होना चाहिए, हैज अ यूनिक पेरेंट कॉल्ड द प्रीडिसेसर ऑफ एन। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई एक रूट नोड है तो रूट का कोई पेरेंट नहीं होगा, तो रूट नोड को छोड़कर बाकी जितने भी नोड हैं उनका अपना एक यूनिक पेरेंट होगा। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रीडिसेसर ऑफ एन और उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडिसेसर कहते हैं। किसी भी नोड के पेरेंट को क्या कहा जाता है, प्रीडिसेसर कहा जाता है, सक्सेसर जो पेरेंट से जनरेट हुआ है, और पेरेंट को क्या बोलेंगे हम, प्रीडिसेसर बोलेंगे। तो दो टर्म होते हैं, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सिक्स्थ पॉइंट है यहां पे अ नोड एल इज कॉल्ड द डिसेंडेंट ऑफ नोड एन एंड एन इज कॉल्ड द एंसेस्टर ऑफ एल। अब ये एक नई टर्मिनोलॉजी आई है हमारे पास, एल, एल को हमने माना कि वो है लीफ नोड, लीफ नोड, जैसे कि हमने यहां पे देखा था कि यहां पे एल क्या है, लीफ नोड है। तो यहां पे इसका मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि ए जो है, एल और ए, अगर हम इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो एल जो है वो कहलाएगा डिसेंडेंट ऑफ ए एंड ए कहलाएगा, ए कहलाएगा एंसेस्टर ऑफ एल, यानी कि एल जो है वो ए का डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट को हम लोग बोलते हैं वंशज हिंदी में, और एंसेस्टर को हम लोग बोलते हैं पूर्वज। तो ऑब्वियसली ए जो है वो पूर्वज है एल का और एल जो है वो वंशज है ए का। ठीक है, तो यहां पे डिसेंडेंट और एंसेस्टर आपको समझ में आया होगा कि एल इज द एंसेस्टर ऑफ ए एंड सॉरी डिसेंडेंट ऑफ ए एंड ए इज द एंसेस्टर ऑफ एल, मतलब ए सबसे बड़ा है इसीलिए वो पूर्वज है, पूर्वज है मतलब एंसेस्टर है, और एल सबसे छोटा है इसीलिए वो क्या है, डिसेंडेंट है। सबसे छोटा मतलब लीफ नोड है, उसके आगे कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है इसीलिए वो लीफ नोड है। उसके बाद जो हम आगे देख रहे थे, सेवेंथ पॉइंट है हमारे पास अ टर्मिनल नोड इज कॉल्ड द लीफ एंड पाथ एंडिंग इन अ लीफ इज कॉल्ड द ब्रांच, यानी कि जो मैंने भी आपको बताया था कि लीफ नोड क्या होता है, जो सबसे लास्ट का नोड होता है वो कहलाता है लीफ नोड। जैसे कि के इज द लीफ नोड, एफ इज द लीफ नोड एंड डी इज द लीफ नोड। अब यहां पे लीफ नोड कहलाता है और जो लास्ट पाथ होता है, अगर मैं ए से चल रही हूं,
ए से सी आई, सी से एच आई, एच से जे, जे से एल, तो ये कहलाता है आपका पाथ, ये कहलाता है आपका पाथ, या फिर हम कहते हैं ये पूरी ब्रांच है जो ए से शुरू हुई है और एल तक जा रही है, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पूरा ब्रांच। यही चीज हमने यहां पे लिखी हुई है, अ टर्मिनल नोड इज कॉल्ड द लीफ एंड द पाथ एंडिंग इन द लीफ इज कॉल्ड द ब्रांच। तो यहां पे जो पाथ है आपका एंड हो रहा है लीफ पे वो कहलाता है ब्रांच। ऐसे ही अगर आप ए से चलते हुए आ रहे हैं ई और एफ की तरफ तो ये कहलाता है पूरा ब्रांच, ए से शुरू हुआ और एफ में जाके खत्म हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम एट्थ पॉइंट की तरफ। एट्थ पॉइंट में हमारे पास है एवरी नोड इज बाइनरी ट्री टी इज असाइंड अ लेवल नंबर। हर एक नोड में, ट्री में, हर एक नोड में एक लेवल नंबर होता है, ठीक है। अब ये लेवल नंबर क्या होता है, यहां पे देखिए, अ रूट आर ऑफ टी, रूट आर मतलब सबसे पहला एलिमेंट, ट्री इज असाइंड अ लेवल नंबर जीरो। तो आपके पास अगर रूट है तो उसका लेवल क्या होगा, जीरो होगा। एंड एवरी अदर नोड इज असाइंड अ लेवल नंबर विच इज वन मोर देन द लेवल ऑफ इट्स पैरेंट। ऑब्वियसली अगर मैं इसी एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो यहां पे ए है हमारा रूट नोड, तो रूट नोड का लेवल क्या होता है, जीरो। इसका लेवल होगा वन, सी का भी लेवल होगा वन। तो हर एक नोड का जो लेवल होगा वो अपने पेरेंट से एक ज्यादा होगा। जैसे कि डी का लेवल होगा टू, ई का भी लेवल होगा टू, जी का भी लेवल होगा टू और एच का भी लेवल होगा टू, जो अपने पेरेंट से एक ज्यादा है। एफ का लेवल होगा थ्री, जे का भी थ्री, के का भी थ्री, जो अपने पेरेंट से एक ज्यादा है, और एल का लेवल होगा फोर, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि लेवल जो है रूट का जीरो से शुरू होता है और जितने भी नोड्स होते हैं उनका लेवल नंबर अपने पेरेंट से एक ज्यादा होगा। लेवल नंबर के बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है डेप्थ, यानी कि हम जिसको बोलते हैं हाइट। द डेप्थ ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इन अ ब्रांच ऑफ ट्री। किसी भी एक ब्रांच में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो कहलाती है उसकी डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई। तो अगर आप इसी एग्जाम्पल को देखें तो इस ट्री की डेप्थ कितनी होगी, किसी भी ब्रांच में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। ब्रांच मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप यहां से एल तक आते हैं तो दिस इज कॉल्ड द ब्रांच। तो किसी भी ब्रांच में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो उसकी डेप्थ या हाइट कहलाती है। तो अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो इसका हाइट या इसकी डेप्थ कितनी होगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें कितने नोड्स हैं, 5। और अगर हम इस ब्रांच की बात करें तो इसकी डेप्थ कितनी होगी, 1 2 3 4। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्री के डेप्थ की या हाइट की बात करें तो ट्री की हाइट होगी 5, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो नोड्स हैं जो एक ब्रांच में हैं वो हैं 5। तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी जाएगी, 5, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये टर्मिनोलॉजी है, ये सारी आप चीजें आपके पास क्लियर होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग और लर्निंग द ट्री। तो ये लेक्चर मैंने इसलिए बनाया था ताकि हम बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ सकें ट्री की। अब नेक्स्ट लाइव लेक्चर में मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस करूंगी जो ट्री से रिलेटेड रहेगा। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।